हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मैंने क्या क्या मैटरनिटी वियर शॉपिंग किया है। मुझे बोलने में भी थोड़ी हंसी आ रही है बिकॉज अभी तक हम लोग क्या शेयर करते आ रहे थे पिछले 4-5 सालों से, और अभी मैं क्या शेयर कर रही हूँ। सो ये भी एक पार्ट है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। बहुत तैयारी नहीं करी, बहुत कपड़े नहीं लिए मैंने, बट हाँ जो बेसिक मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 मुझे लेना ज़रूरी है, वो मैंने टॉप मैटरनिटी वेयर ऑर्डर किया है और एक आध गाउन ऑर्डर किया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी इनको मैंने वॉश नहीं किया है, मैं वॉश करूँगी अभी। तो डेफिनेटली मेरा जो, जब आप ये देख रहे हो वीडियो तब अभी मुझे टाइम है, तो प्रिपरेशन लिस्ट वगैरह सब मैंने पहले से तैयार करके रखी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट से। ये है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप, मैंने ऑर्डर किए हैं सब एल साइज में। दिस इज द टॉप, बिकॉज इन जनरल भी मुझे लूज कपड़े पहनना ही काफी ज्यादा पसंद है। सो दिस इज द टॉप जो कि ऑर्डर किया है। अब इसमें बेस्ट चीज क्या है, इधर पे जिप दिया हुआ है, दिस हाँ से ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए एक तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल है, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, इनके मुझे फैब्रिक भी बहुत अच्छे लगे और ये बहुत कंफर्टेबल भी है, कलर भी बहुत पेपीसा है। डेफिनेटली जितने भी मैटरनिटी वेयर मैं आपको दिखा रही हूँ जो नॉर्मल टॉप है उनसे थोड़े एक्सपेंसिव है ये, मतलब 700-700 का एक टॉप है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव है थोड़े टाइम के लिए, बट क्योंकि इनका फैब्रिक क्वालिटी अगर मैं देखूँ और सब चीजें देखूँ तो वो बहुत अमेजिंग है। उसके बाद आते हैं सेकेंड टॉप के ऊपर। तो ये है सेकेंड टॉप। क्या अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसका जो यहाँ पर है ना जिप वगैरह नहीं है, ये पूरा ऊपर तक है, बट ये यहाँ से ओपन हो जाता है, इधर से भी और इधर से भी ओपन हो जाता है, सो दैट आपको बाद में फीड वगैरह कराने के लिए काफ़ी इजी रहेगा। और फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका भी फैब्रिक इतना ज़्यादा अमेजिंग है, मतलब ये बिना वॉश करे मुझे इतने सॉफ्ट और इतने कम्फर्टेबल फैब्रिक लग रहे हैं, तो मतलब वॉश करने के बाद तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। लेंथ जो है वो नॉर्मल टॉप से थोड़ी सी लंबी है, बट आई वुड से कम्फर्टेबल लेंथ है इसकी, काफ़ी अच्छी है। कमिंग टू माई थर्ड प्रोडक्ट इज दिस गाउन। एक मैंने ये गाउन ऑर्डर किया है, बहुत ही इधर कलर्स का बहुत प्यारा है। सो दिस इज द गाउन और दिस इज इन द साइज अगेन एल साइज मैंने सबके ऑर्डर करे, बिकॉज इन जनरल भी जब मैं प्रेग्नेंट नहीं भी थी ना तो भी आपको पता होगा मैं जितनी भी टी शर्ट्स पहनती थी वो सब एल साइज या एक्सएल साइज की ही पहनती थी, विक्की की टी शर्ट्स मोस्टली पहनती हूँ थी मैं। और तो ये है, बहुत ही प्यारा गाउन है, अच्छी खासी लेंथ है, यहाँ पर पॉकेट दिए हुए हैं, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है और इसमें यहाँ पर अगेन जिप दिया हुआ है, इसको बाद में भी कैरी कर सकते हैं, इट्स दैट ग्रेट। और अच्छा लगा मुझे ये वाला काफ़ी, हॉस्पिटल वगैरह में भी काम आ सकता है और बाद में तो काम आएगा ही आएगा। कमिंग टू माय फोर्थ प्रोडक्ट इज दिस टॉप। ये मैंने आई थिंक कलर की वजह से मंगवाया हुआ है। इसमें क्या है, लुक एट दिस, इसमें यहाँ पर ऐसे वी नेक में पैटर्न दिया हुआ है, देखिए वी नेक का पैटर्न दिया हुआ है, तो आप और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, मतलब इस तरीके से आप, ये है इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है, एंड ये दूसरे ब्रांड का है। सब अलग अलग ब्रांड्स के ट्राई करे मैंने, अलग कलर्स में मैंने मंगवाए हुए हैं, अलग अलग वेराइटी में मंगवाए हुए हैं, जिसके सबका फैब्रिक, सब बोलूँगी कि सबका फैब्रिक बहुत अच्छा है, बाकी अभी वॉश करने के बाद पता चलेगा, मैं 1-2 दिन में इनको वॉश कराऊँगी तो मैं व्लॉग में इसका डेफिनेटली रिव्यू शेयर करूँगी कि कैसे क्या रहे हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने एक मंगवाई है, 3 अंडीज मंगवाई हैं, तो आप इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे तो पहन ही सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको बाद में भी पहन सकते हैं, अगर आपका जैसे कुछ भी नॉर्मल डिलीवरी होती है आपकी, या तो नेचुरल डिलीवरी होती है या सी सेक्शन डिलीवरी होती है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, एंड यहाँ पर ना एक सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब इस तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है, सो इनफैक्ट इन योर 7th month, 8th month, 9th month जब आपका अच्छा बेली आ जाता है तब भी आप इसको कैरी कर सकते हैं इधर पे, तो एक ऐसा वो दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो पैटर्न है ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। सो दीज आर माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है, दिस इज द ब्रा, जो कि मैटरनिटी ब्रा भी आप इसको बोल सकते हो, मैटरनिटी ब्रा भी बोल सकते हो। यहाँ पर देखिए बटन्स दिए हुए हैं 3, और मुझे पहले मैंने एक ही मंगवा करके देखी कि कैसा क्वालिटी आता है, क्या आता है, उसके बाद फिर मैं बाकी का मंगवाऊंगी। रिमूवेबल पैड्स है, यू कैन रिमूव दी पैड्स, आप इसको, इसके जो पैड्स हैं वो भी रिमूव कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आई ट्राइड इट एज वेल, अमेजिंग अमेजिंग। मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर करी हैं, जब वो आ जाएंगी तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अभी फिलहाल जो जो चीज़ें आ चुकी हैं वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने ये
डिस्पोजेबल पैड फिक्सर ऑर्डर किया है, ये है फ्रॉम न्यू मॉम। साथ ही साथ नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो अगेन न्यू मॉम का कंफर्टेबल एंड हाइजीन मेटर्निटी पैड है। बाकी की जो बेसिक चीजें रहने वाली है, जब मैं अपना बैग बनाऊंगी हॉस्पिटल बैग, तब मैं डेफिनेटली पूरा डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।